बॉलीवुड में सेंटर में बैठे है ना। तो दिलीप साहब आपने बहुत सारे म्यूजिक दिए है, जिस तरह का हमने नाम सुना है बसेरा में, नाम भी एक अपने आप में यूनिक है कि बसेरा, हम सब बस सकते हैं। तो आपने म्यूजिक सुने होंगे, किस तरह के आपको डिफरेंट लगा आज? पहले तो मैं सबको नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय महाकाल, इस प्रोड्यूसर डायरेक्टर को सबको और इसमें जितने भी कास्ट हैं उनको सबको और ख़ास करके मीडिया को ये बताना चाहता हूँ कि आज का दिन मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। मैंने कई म्यूज़िक वीडियो में गया हूँ मगर आज इसलिए मेरे लिए बड़ा दिन है कि मेरा लाडला चहिता स्टारों का स्टार सुपर स्टार कमाल खान साहब, कमाल जी इसमें हीरो हैं जिसका टाइटल है बसेरा, जावेद मीर साहब इसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं। मैं देखे इतने एल्बम देखे, इतने गाने मैंने सुने, मैंने खुद ने भी 2500 से ज़्यादा गाने किए हुए हैं। तो इनका गाना सुनने के बाद में ऐसा लगा कि जितना प्यारा टाइटल है और जिस हिसाब से लड़का लड़की ने काम किया, कमाल साहब ने जो काम किया है और जावेद मीर साहब ने जो इसमें डायरेक्शन दिए, बहुत ही कमाल की दी है। और मैं समझता हूँ कि 2023 का सबसे बड़ा हिट म्यूज़िक होगा ये, और मेरी तो दुआएं हैं, आशीर्वाद है, बाकी मीडिया है जो इसको चलाएंगी। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जब जब कोई नई चीज़ आती है और नए कलाकार आते हैं तो नया कमाल साहब नए नहीं है, मगर जब भी वो आते हैं तो हमेशा नए अवतार में आते रहिए। जो बसेरा में जो आए बहुत ही कमाल लग रहे हैं और मैं समझ रहा हूँ कि शॉर्ट शॉर्ट होगा और इस साल का सबसे बड़ा एल्बम होगा ये। नत्था जी सबसे बड़ा बहुत बहुत बधाई हो, आपके मूवी के बहुत सारे चर्चे हो रहे हैं, जिस तरह आपको मूवी के चर्चे हो, बसेरे के चर्चे हो रहे हैं आजकल, क्या बोलना चाहते बसेरे के बारे में, म्यूजिकल के बारे में? सबसे पहले तो मैं कमाल खान, मेरे छोटे भाई हैं, जब से कमाल खान तो खैर पहले से मुंबई में है, मैं तो 2010 में आया हूँ पिपली लैब के बाद में, तो जब से मिला हूँ कमाल खान को जान रहा हूँ मैं, उन्होंने कैसे कैसे काम किया और आज वो जो काम किया है और कर रहा है उसको मैं देखते आ रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले उसको बहुत बहुत ऊपर वाले से, अल्लाह से, भगवान से ये दुआ करूँगा कि उस और अपना नाम कमाते रहे, आगे बढ़ते रहे। और बसेरा जो है एल्बम, वो हर किसी के दिल में बसेगा, हर के दिल में बसेगा। बसेरा मतलब कहीं भी ऐसा नहीं छूटेगा कि जहां वो नहीं बसेगा, ये मेरी तहे दिल से दुआ है कमाल खान के लिए। और जावेद मीर साहब जो प्रोड्यूसर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो कमाल खान को एक बहुत बड़े मौका दे रहे हैं और देते आ रहे हैं। और हमने इस बसेरा के अलावा एक फिल्म भी किया है कमाल भाई के साथ में, जिसका नाम है सुल्ताना। अभी उसका कुछ शूटिंग बचा हुआ है, कुछ किए हैं, अभी शायद इस अक्टूबर में चालू होगा। तो ये बहुत अच्छा काम हुआ है इनका, काम हुआ है कि आगे बढ़ते रहें और इसी तरीके से बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। और इंडस्ट्री में तो कोई एक बैग बैठ के नहीं बढ़ता है, थोड़ा थोड़ा करके आगे सब बढ़ते रहते हैं। और एक रात में किसको कब भी कति स्टार बना दे ऊपर वाले जानता है। तो मैं ऊपर वाले से यही दुआ करूंगा, अल्लाह से यही दुआ करूंगा कि इस बसेरा रिलीज एल्बम के बाद रातों रात हमारे कमाल भाई स्टार बने, सुपर स्टार बने। नमस्कार, मैं बॉलीवुड एक्टर रमेश गोयल। मैं इस तरह के फंक्शंस बहुत सालों से देख रहा हूँ, मैंने भी बहुत काम किया है और मीडिया जिस तरह से आज यहाँ छाई हुई है, बहुत दिनों के बाद में देखा है इतना मीडिया का होना, बहुत अच्छा साइन है प्रोड्यूसर के लिए, डायरेक्टर के लिए। जावेद मीर साहब को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद और ताहिर कमाल खान साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं एक ही बात कहूँगा, आज इंडस्ट्री का बहुत बढ़िया टाइम चल रहा है इस वक्त, इतना बढ़िया टाइम चल रहा है कि बहुत सालों के बाद में ये देखने को मिल रहा है गदर 2 सुपर 8
पठान सुपर हिट, जवान सुपर हिट और बसेरा भी सुपर हिट। मैं दिल से आशीर्वाद देता हूं कि ये बसेरा जिस तरह से तीनों फिल्में सुपर हिट है, ये बसेरा भी उसी तरह सुपर हिट हो, यही भगवान से प्रार्थना करता हूं। और इसके हर इसकी टीम का हर आदमी सुपर हिट हो। ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय, जय हिंद। देखिए, मैं एक सॉन्ग लॉन्च में आया हूँ जिसका नाम है बसेरा। मैं सबसे पहले तहे दिल से जो भी आर्टिस्ट इसमें काम किए हैं उनको, उनकी मेहनत को मैं आई वॉन्ट टू अप्रिशिएट इट। और मैं सबसे मेन इधर आया हूँ कल्याण जी के लिए, जो मेरे बहुत खास दोस्त हैं जो अवार्ड्स चलाते हैं, तो उनके कहने पर मैं इधर आया हूँ। एंड आई विश वेरी गुड लक एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस सॉन्ग बसेरा। सर, आप क्या बोलना चाहते हैं? सर, आप तो बहुत कम ही आते हैं, टाइम मौका मिलता है इस तरह के नाम सुनकर आप जो आए, कुछ कुछ खास है तो आए कमाल खान के काम देखने के लिए? सबसे पहले तो पूरी बसेरा की टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके जो प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर हैं, इनके जो एक्टर हैं और जो कल्याण जी हैं, वो हमारे दिल के बहुत करीब हैं और हमसे बहुत जुड़े हुए हैं। और हमारे हर कार्य में वो कुछ ना कुछ इन सोशल कॉज से हमारे से जुड़े रहते हैं। तो आज उनका इतना बड़ा लॉन्च था तो हमने सोचा कि क्यों नहीं हम उस चीज़ को हिस्सा बने और उसकी कामयाबी में हमारा योगदान रहे। तो बसेरा की पूरी टीम को मेरी तरफ से, हम सब की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि ये खाना बहुत अच्छा चले और एक सुपर हिट गाना हो। सर, आपसे पूछना चाहते हैं, हिंदी भोजपुरी बहुत सारे आपने भी काम किए हो, बहुत सारे अवार्ड शो म्यूजिक कर भी जाते, इस तरह के नाम, इस तरह के काम, चॉकलेट ही हो, बाइक पे फिल्म के, ऋतिक के भी दीवाने हैं, तो आप क्या करना चाहते हैं? देखिए, नमस्कार, मेरा नाम राज प्रेमी है और टीवी फिल्में वगैरह आपने देखी होंगी। बट ये मैं जब ताहिर कमाल खान ने मुझे इनवाइट किया था इस म्यूज़िक एल्बम के लॉन्च के लिए, तो मैं इस नाम से बहुत एक्साइट हो गया क्योंकि इस एल्बम का नाम है बसेरा और मैं यहीं रहता हूँ ओशीवरा, जिसमें मेरी बिल्डिंग है, मेरी बिल्डिंग का नाम है बसेरा। मैं पिछले 25-30 सालों से यहीं रहता हूँ, तो मेरे लिए तो ये मेरा घर हो गया। तो मैंने कहा मैं मेरे घर से निकल के मेरे घर के पास आ रहा हूँ। और मैं ताहिर कमाल खान को बहुत सालों से जानता हूँ, बहुत मेहनत कर रहा है, हम सब मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पर सब बैठे, चाहे वो समीर जी हैं, चाहे रमेश गोयल जी हैं, नत्था साहब थे, आदिल है, हाजी भाई हैं, सब मेहनत करते हैं। किसी को मौका मिल जाता है, किसी को मौका नहीं मिलता, बस मौके का फ़र्क होता है और कुछ नहीं। और मैं भगवान से, अल्लाह से, खुदा से, वाहेगुरु से ये दुआ करता हूँ कि ताहिर के लिए ये मौका हो। क्या बात है ना, तो एक मौका चाहिए होता है हर कलाकार को, हर कलाकार अच्छा होता है। सब, चाहे वो आज हम जवान की बात कर रहे हैं, पठान की बात कर रहे हैं, शाहरुख खान भी कभी टीवी सीरियल में काम करता था और उस वक्त उसे एक अच्छी फिल्म की चाह थी, आज वो बहुत बड़ा स्टार है। सलमान खान भी कभी पीछे काम करता था। तो सबको एक मौके की ज़रूरत होती है और मैं भगवान से सही में तहे दिल से ये दुआ करूँगा कि ये बसेरा आपके लिए वो मौका लाए ताहिर भाई, और आप बहुत बड़े बने, और बड़े बने या ना बने लेकिन कोशिश जरूर करते रहिए क्योंकि कोशिशें अक्सर कामयाब हो जाती है, बेशक, है ना। तो मैं मीर साहब हैं, जितने भी इसमें इस, क्योंकि ये जो कोई भी चीज़, हाजी भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ फिल्म लाइन के बारे में, कि कोई भी चीज़ हर आदमी हिट ही बनाना चाहता है, कोई इस बात के इससे ऐसे शुरुआत नहीं करता है कि आओ मिलकर एक फ्लॉप चीज़ बनाते हैं, ऐसा कोई शुरुआत नहीं करता। तो हर चीज़ हिट बनाना चाहता है और हर चीज़ बनने में बहुत मेहनत लगती है, चाहे बुरी चीज़ भी बने लेकिन बुरी चीज़ बनने में भी मेहनत उतनी ही लगती है, बहुत मेहनत लगती है कोई भी चीज़ बनाने में। तो हम बस खाली ये मेहनत का हम ये देखना चाहते हैं कि वो मेहनत सही दिशा में की जा रही है या नहीं। और जब ये देखूंगा मैं, अभी तक तो मैंने ये गाना देखा नहीं है, टीज़र देखा नहीं है, जब देखूंगा तो मैं डेफिनेटली ताहिर को फ़ोन करके बताऊंगा कि तेरी मेहनत सही दिशा में है ना। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल द टीम और आप सबका धन्यवाद। आप बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी म्यूज़िक एल्बम की लॉन्चिंग है या किसी बड़ी फिल्म की लॉन्चिंग है, इतने सारे पत्रकार भाई हमारे सामने आए हुए हैं, तो उन सब के लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया था कि आप सब, इतनी बड़ी तादाद में बहुत कम देखता हूँ भाई, बहुत बड़ा, चाहे आपका योगदान हो, आपका योगदान हो, जिसका भी योगदान हो, चाहे आपके लिए आए हैं, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में आए हैं।
बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा बस, और क्या, आज तो हम दूसरे के प्रोग्राम के लिए आए हैं, आज आपको एक्चुअली ताहिर कमाल खान को बीच में बिठाना चाहिए और उनसे सवाल जवाब करना चाहिए, आप लोगों ने बोल दिया मेरे काफी है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। कमाल भाई अच्छे लग रहे हैं, आदिल भाई रेल में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। बाइक तो देख रहे हैं कि बाइक पे पीछे बैठी वाली को देख रहे नहीं वो कौन है अभी झटका लगा, नहीं वो कौन मुझे पता नहीं, बिकॉज नहीं खड़ी है। हाँ, आई विश मैं कमाल भाई को चाहता हूँ कि ये एल्बम बहुत अच्छा आ जाए, बहुत अच्छा हो, सुपर हिट हो, और मैं तहे दिल से, सबसे मेन मेरा भाई इधर है कल्याण जी, जो हमें हर चीज़ में जोड़ने की कोशिश करते हैं, आई रियली अप्रिशिएट हिम, और मैं चाहता हूँ ये गाना बहुत अच्छा सफल हो। आप भी जुड़े हैं उस बैनर तले, आपका भी शूट होने वाला बहुत जल्दी दुबे में, इधर कल्याण जी ने बताया कितना एक्साइटमेंट है कि आप भी, वो मेरा भाई का दिल इतना बड़ा है, उन्होंने एक अनाउंसमेंट कर दिया है मेरे लिए, मेरा प्रोजेक्ट आने वाला है, दुबई है 27-28 मैं पूछेंगे अड्डा। एक मिनट खाली, मैं हमारे बीच में ईशान साहब आए हैं, डायरेक्टर साहब ईशान साहब प्लीज आप आइए, और हमारे बीच में दादा साहब किस मुद्दे पे रोस्ट नौटंकी होती है, एक प्रॉपर मुद्दा बोले तो मैं जवाब दे सकता हूँ। FIR कोई खाने का काम तो नहीं है, जो FIR हो जाएगी, वो पुलिस स्टेशन गई थी, उन्होंने कुछ कंप्लेंट किया है ये भी मुझे पता नहीं है, जो लेकिन उसके थोड़े देर पहले जो मयूर तनुश्री जी गए थे तो हमने तो प्रॉपर उनके ऊपर कंप्लेंट की है, उसकी चार्ज होगी, उसके बाद जाके FIR होगा। उसने एक मीडिया ग्रुप बना रखी है, ठीक है, उसमें बॉय सवार कभी रोने का कभी ना करने का, अजीब अजीब से फोटो वीडियो डालते रहते हैं, मीडिया ग्रुप आपके बहुत सारे देखे, कोई मीडिया ग्रुप नहीं बना रहे, इसलिए मीडिया ग्रुप बना रखे पर्सनली, तो क्या बोलना चाहते हैं उसके लिए लीगल ये है? नहीं, पर्सनल मीडिया ग्रुप बना के है, अगर आप लोगों को इरिटेट हो रहा है तो मैं आपसे प्लीज़ विनती करता हूँ कि आप पहले उसको ग्रुप को छोड़ दें, ग्रुप में ना रहें, और जो भी कुछ अच्छा काम है उसको कवर करें, ये कंट्रोवर्सी करके लोगों को गुमराह ना करें और लोगों का वक्त ज़ाया ना करें। नहीं, बुरा काम के लिए है ना सर, हाजी साहब है ना, आप कुछ बसेरा में आए हो, कुछ बसेरा होने के लिए कुछ आप टिप्स दें, कहीं बस जाए, बसेरा का नाम है राखी को कोई टिप्स नहीं दे सकता, कोई मुझे ही टिप्स दे, बहुत बड़ी बात है, मैं राखी को कोई टिप्स ही नहीं दे सकता, वो एक पिक्चर है, वो बड़ी सीरीज है, वो कभी खत्म नहीं हो सकती। अर्जुन चोपड़ा और राखी ने दोस्ती कर ले, पहले आपके खेमे में थी अर्जुन चोपड़ा, लेकिन अभी राखी के खेमे में चले गए, क्या बोलना चाहते हो? वो आगे से आई थी दोस्ती का हाथ बढ़ा के, मेरी बाद में मेरी बहन बनी, मेरी बहन है, हर हमेशा मेरी बहन रहेगी, नो कमेंट्स ऑन दैट। ये मेरे कल जो हम गए थे हमने, और सबसे पहले एक बात कहना चाहूँगा राखी को, एक कल एक क्लिप में बोल रही थी मेरे एडवोकेट को कॉल करना बंद करो, मेरे साहिब भाई को बोल रही थी, ये तो एटलीस्ट क्या काम के लिए कॉल किए थे, उनका कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो भी है वो मुझे नहीं डिस्क्लोज करना है। सबसे पहले तो राखी गई थी इनके पास, हाथ पैर पकड़ के इनके पैर पकड़ी थी राखी, तो ये तो नहीं गए थे राखी के पास, या राखी को उनके एडवोकेट को ये जो कॉल किए हैं कुछ दूसरे मैटर के लिए कॉल किए हैं, वो ये कभी भी अनएथिकल काम करते ही नहीं है। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा, राखी मेरी बहन है, कल उन्होंने ये बोला कि मैंने उनके एडवोकेट लोगों को फ़ोन किया, मैंने बिल्कुल भी फ़ोन नहीं किया, जिसके लिए बहुत सी मीम्स बनी है कि राखी प्रूफ दो, राखी प्रूफ दो। दूसरी बात, आदिल के पास एडवोकेट नहीं है, आदिल के पास फैल्कन लीगल है, फैल्कन लीगल एक रेप्यूटेड लीगल फर्म है जिसके पास इन हाउस 30 एडवोकेट है जो पूरे के पूरे आदिल के पीछे एक ताकत बन के खड़े हैं। क्या बात, तो आदिल को एडवोकेट की ज़रूरत नहीं, उसके पास पूरा लीगल फर्म है, तो यू नो इसने बोला एडवोकेट, वो एडवोकेट नहीं है, ये नहीं है, आदिल मेरा भाई है, आदिल मेरा दोस्त है, और मरते दम तक हम आदिल के साथ खड़े रहेंगे। दूसरी बात कि उन्होंने ये बोला कि आप हमारे एडवोकेट को फ़ोन कर रहे हो, आप एक सबूत दीजिए कि हम फ़ोन कर रहे हैं, उनके जो एडवोकेट हैं वो मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, हमेशा रहेंगे, हम रोज़ मिलेंगे, पर हमारा मिलना राखी और आदिल से लेना देना नहीं है, वी आर वेरी प्रोफेशनल, वी नेवर डू एनीथिंग विच इज़ अनएथिकल, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यस
मैं उनके एडवोकेट के पास बिल्कुल नहीं गया था, बट हमारी ऑफिस में, ये मुझे बोलना नहीं था पर मैं आज बोल रहा हूँ, हमारी ऑफिस में राखी सावंत आई थी। वो उन्होंने काफ़ी टाइम गुजारा, वो चाह रही थी कि हम आदिल का केस छोड़ दें, पर हमने उनको एक एज अ वुमेन, एज अ बहन, हमने बहुत रिस्पेक्ट दिया, उनको बहुत मान सम्मान दिया और अच्छे से उनको रिक्वेस्ट किया कि हम केस नहीं छोड़ सकते, जो भी होगा मीडिया ट्रायल में हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है। लीगली आदिल अगर रॉन्ग है तो उसको सज़ा होना चाहिए, राखी अगर रॉन्ग है तो उसको सज़ा होना चाहिए, और दोनों अगर बेगुनहगार हैं तो दोनों को सज़ा नहीं होना चाहिए, पर ये मैटर ख़त्म हो जाना चाहिए। रोज़ रोज़ नए लोगों को लाना, रोज़ रोज़ नए नाम लाना या रोज़ रोज़ एक नया झूठ लाने से मीडिया का टाइम वेस्ट, लोगों का टाइम वेस्ट और हम जैसे लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है। इस चीज़ को छोड़ के प्रॉपर तरीके से, इज्जतदार तरीके से लीगली आप आइए, आपको हर चीज़ का हम जवाब देंगे। वापस से बोलूँगा, ना आदिल की तारीफ करूँगा ना राखी की करूँगा, आदिल मेरा भाई है, राखी मेरी बहन है, मे द बेस्ट पर्सन विन। देखिए ऐसा है, आदिल के पास बहुत सी चीज़ें आ रही है, सिर्फ जो चीज़ का आपने नाम लिया वो तो छोड़ दो, बहुत सी चीज़ है, पर हम ये बोलते हैं कि एक राइट टाइम आने पर हम पिक्चर का, म्यूज़िक वीडियोस का, शोज़ का, हर चीज़ का डिक्लेरेशन इस मीडिया के सामने करेंगे, क्योंकि हमारे हक की लड़ाई में इस मीडिया ने हमारा बहुत साथ दिया और बहुत हमारी जो सच्चाई उसको दिखाने में हमारी मदद करी। इसके लिए आदिल की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से थैंक यू वेरी मच। देखिए अभी ऐसा है कि हमको पुलिस ने बताने मना किया है, पर जो कल धाराओं के तहत जो हमने कंप्लेंट डाली है जिसमें 354 है, 50304 अपना 504 है, 506 है, 509 है, 67A है, सो बहुत सी धाराओं को लेकर बहुत सी कंप्लेंट है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हमारी तरफ से हमने सारे प्रूफ दिया है, सारी चीज़ दिया है, क्योंकि हमारे एडवोकेट्स बैठकर एक एक बारीकी से चीज़ों की करते हैं, ना कि सिर्फ कंप्लेंट करने गए, पुलिस स्टेशन में गए, बाहर आए, फोटो खिंचाए, मीडिया को बोल दिए, FIR हो गया, बिल्कुल नहीं। हमारा बोलना ये है पूरी इन्वेस्टिगेशन हो, अगर हमारी तरफ से हमारी दी हुई स्टोरी राइट है उसके ऊपर पुलिस एक्शन ले, सत्यमेव जयते, हमको पुलिस पे पूरा भरोसा। आदिल, आदिल मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग राखी कभी आपके दोस्तों को लेके आती हैं, आपके दोस्तों को लेके आती हैं, सिलसिला क्या है? कौन 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 मेरे दोस्त, कौन मेरे दोस्त, मैं जानता ही नहीं वो लोगों को, मैंने पहले भी कहा। हाँ, उन्होंने बहुत आरोप लगाया आपको, पता कि गाड़ी आपने उनसे ली, पैसे आपने लिए, आपने पे नहीं किया उनको, और बहुत सारे धाराएं उन्होंने भी दिखाई। सबसे पहले एक बात कहना चाहूँगा, वो मेरे कोई दोस्त नहीं है, मैंने हाल ही में भी कहा, मैं दोबारा कह रहा हूँ, वो मेरे कोई दोस्त नहीं है। दोबारा ये कहना चाहूँगा, अगर पैसों की बात आती है तो राखी सावंत ऑटो में ही थी, जब मेरी लाइफस्टाइल थी तो BMW में घूमती थी, आज वो दोबारा ऑटो में घूम रही है और अभी वापस एक गाड़ी लेने मैसूर जा रही है कोई नए लड़के को फंसा के, वो मेरा कुछ लेना देना है नहीं। मेरा और राखी का लीगल मामला है, राखी ने मेरे साथ अन्याय किया है, मैं जेल गया था एक झूठे केस में, मैं बाहर आया हूँ और मेरा स्ट्रेट राखी से मुद्दा है और राखी के साथ बैटल है, और राखी ऑफ बीट करके नए नए कैरेक्टर्स को लाती है इस मुद्दे को दबाने के लिए, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी मेरा दोस्त नहीं है। और राखी के जितने भी दोस्त मेरे साथ जुड़े हैं वो राखी के विक्टिम्स हैं, और राजश्री हो गई या तनुश्री दत्ता हो गई या शर्लिन हो गई, वो राखी के विक्टिम्स थे और राखी के विक्टिम्स हैं, और आप लोगों को भी पता है वो उनके विक्टिम्स हैं। वो ज़रूर वो उनकी विक्टिम थी 2018 में, जब उनको लगा, जब हमारे मुद्दे चल रहे उनको लगा कि मुझे भी आके बात करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम में वो अकेली पड़ गई थी, वो बात नहीं कर पा रही थी बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, उनके खुद के रीजंस हैं। जब आज वो बाहर आके बात कर रही है, जब हमारा ये सब हो रहा था तो बाहर आके बात करके उनके मुद्दे भी रख रही है आगे। मैं सच में पूरी बसेरा की टीम को, बसेरा के प्रोड्यूसर, बसेरा के डायरेक्टर, बसेरा के DOP से लेके हर एक इंसान को तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ, और ये कहना चाहता हूँ कि बसेरा एल्बम अच्छा जाए और हिट रहे। और दोबारा मैं कहना चाहता हूँ, मेरा भाई कल्याण जी के हमको इस सब चीज़ों में जोड़ते हैं और ये बहुत अच्छे इंसान है, और इनका खाली इतना बोलता हूँ, मेरा भाई मेरी जान, अगले महीना जो हमारे दुबई में शो हो रहा है सबको पता है, पूरी मीडिया का पता है, 27-28 को 2 दिन का मेरा दुबई में मेरा प्रोग्राम है, मेरा भाई, मेरे दोनों भाई मेरे साथ में है, हाजी भाई तो यहाँ का सहनसा है महाराष्ट्र का, तो ये मेरा साथ है, मेरा बड़ा भाई की तरह, आदिल भाई मेरे साथ में है,
राखी मेरे साथ नहीं है और ना रहेगा कभी जिंदगी में। नहीं लिखे गया था अभी उसका पत्ता काट, आप उसका जिंदगी भर के लिए पत्ता काट ना, उसको कभी जिंदगी में अवार्ड देगा, उसको पालती अवार्ड देगा मैं, वो भी मुंबई में देगा उसको। मेरे अवार्ड शो में 25 मैं अवार्ड शो करता हूँ साल में, उस अवार्ड शो में कभी जिंदगी में उसको मैं नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बोला जो 2 लाख रुपया मैं लेता हूँ, तो वो ठसन मेरा अंदर है। और जब तक नहीं बोलेगा जो किससे लिया मैंने और कौन सी बैंक में मेरा पैसा आया है, आदिल भाई ने दिया है, वो तब तक राखी के संपर्क में नहीं है। राखी साहब मेरे को कुछ मीडिया को गाली देता है मेरे नाम का बारे में, काटते, क्योंकि उसको पता है नंगा आदमी एक ही है वो कल्याण जी, उससे भी नंगा हूँ मैं, तो उसको पता है भाई कल्याण जी को गाली दिया मतलब उसको भाई कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो वो मीडिया को देने के बाद मतलब काटते। तो कल्याण जी एक ही आदमी के साथ है, आदिल के साथ है और इसके साथ ही रहेगा, हाजी भाई के साथ है, साथ ही रहेगा। ये दो मुख काम कभी नहीं करता, बंगाली आदमी है और जिंदा दिल वाला आदमी है। तो थैंक यू सो मच फॉर मेरा कमाल भाई, थैंक यू सो मच ताहिल भाई। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो कमाल भाई और पूरी टीम को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह से म्यूज़िक लॉन्च होता है और आप सब लोग आते हैं और जो एक आर्टिस्ट की मेहनत है वो लोगों तक पहुँचाते हैं। इसलिए सबसे पहले तो मीडिया का हमेशा मैं शुक्रगुजार रहता हूँ, क्योंकि आप होते हैं तो ये चीज़ लोगों तक पहुँच पाती है। और जहाँ तक इस एल्बम की बात है, अभी एल्बम मैंने सुना नहीं, पर मुझे यकीन है कि एक बहुत ही खूबसूरत एल्बम, जिस तरह से टाइटल है इसका बसेरा, मुझे लगता है कि लोगों को बहुत पसंद आने वाली है। और मैं सबसे यही गुजारिश करूंगा कि इस एल्बम को बहुत ज़्यादा सुने, सपोर्ट करें, इसको लोगों तक पहुंचाएं, ताकि अच्छा म्यूज़िक लोगों तक पहुँचे। आप क्या बोलना चाहते मैडम, आप खुद ही एक सिंगर भी हो, एक्टर भी हो, एक्टर भी हो आप, तो क्या बोलना चाहते बसेरे इन्हीं नाम है सबसे पहले तो नाम इतना अच्छा है बसेरा, बसेरा लाइक एक फैमिली, एक कनेक्टेड नेम है बसेरा, तो इससे हम कनेक्ट कर सकते हैं कि सॉन्ग की जो फीलिंग्स है वो क्या होगी। तो मैंने भी अभी सॉन्ग नहीं सुना है, मुझे नहीं पता है अभी डिटेल में ज़्यादा, बट ऑल द वेरी वेरी बेस्ट टू ऑल टीम, ऑल एक्टर्स, जो भी इसमें एक्टर्स हैं, जिसने भी इसको लॉन्च किए करने वाले हैं, जो भी इसकी टीम से जुड़े हुए हैं, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। ये तो फॉर श्योर है कि ये गाना बहुत अच्छा जाने वाला है, बिकॉज इतने सारे लोग वेल विशर्स हैं ना, इतना प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स गाना सुपर हिट ही होने वाला है। आप क्या बोले सर बसेरे के बारे में, कमाल भाई ने काम किया है? कमाल भाई को तो मैं पिछले कई साल से जानता हूँ मैं, और अभी उनका दिल्ली एल्बम जो आ रहा है उनको उनकी पॉइंट उसको शुभेच्छा देता हूँ मैं, और ढेर सारे उसको छुपा देता हूँ कभी अच्छा एल्बम चले। सर आपके बारे में, आपके गाने बहुत हिट हुए थे, कुछ आपके लेंथ, आपके गाने का लेंथ गाने तो बहुत अच्छा रहेगा आपके गाने। हाँ, मेरे गाने जैसा कि सबको पता है वो 8 बजे के बाद वाले गाने हैं ज़्यादा। अभी एक नया गाना जो रिलीज़ किया मैंने, मैं उसकी 2 लाइनें शेयर करना चाहूँगा। रब अगर पूछेगा मुझसे, रब अगर पूछेगा मुझसे तूने क्यों पी है, रब अगर पूछेगा मुझसे तूने क्यों पी है, मैं भी कह दूंगा रब से तूने पैदा क्यों की है, रब अगर पूछेगा मुझसे तूने क्यों पी है। क्या बात, क्या बात, क्या बात, थैंक यू सर। अपना सवाल काम किए। पहली बात तो सभी लोगों को सलाम, आदाब और नमस्कार। कमाल साहब तो एक अच्छे एक्टर है ही हैं, और अच्छे एक्टर के साथ साथ मेरे अच्छे दोस्त हैं। इससे पहले अभी 15 दिन पहले मेरा एल्बम आया, तो उसमें भी परफॉर्म किया था, सॉन्ग था जवान, और जवान का काफ़ी फ़ायदा मिला और अच्छे से हिट हुआ, लोगों ने पसंद किया, और आप ही सब लोग साथ में थे और आप सब लोगों ने काफ़ी साथ दिया था। अभी मीर साहब हमारे ये बसेरा के प्रोड्यूसर हैं, उन
उनका खुद का बैनर है और हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक हो दिल से कि मालिक इनको कामयाब करें। सर, हमें आपसे पूछना था सर, शुभ मौके पर वो रिलीज किया, गणपति भी चल रहे हैं, बसेरा भी है, सब एक साथ हो रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं कमाल भाई के लिए आप बसेरे के बारे में? सर, सबसे पहले तो मैं कमाल भाई को करीबन 12-15 साल से जानता हूँ और उन्होंने जिस तरह की मेहनत करके इस लेवल तक पहुँचे हैं वो बहुत ही मतलब काबिले तारीफ़ है। और मैं ये चाहता हूँ कि जब भी मतलब पहले भी उन्होंने मेरे साथ भी काम किया है, बेहतरीन कलाकार है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि बहुत ही बेहतरीन कलाकार है, उससे भी ज़्यादा अच्छी बात यह है कि बहुत अच्छे इंसान है। तो ऐसे लोगों को आगे आना बहुत ज़रूरी है और ऐसे लोगों को प्रोत्साहन हमेशा देते आए और हम हमेशा देते रहेंगे और हम सबको मिलकर ऐसे लोगों को काफ़ी आगे निकालना चाहिए। तो यही मैं कहना चाहता हूँ और बहुत बहुत शुभकामना उनको, मीर साहब को, उनकी ये नई एल्बम के लिए। थैंक यू सो मच। कमाल भाई बहुत मेहनती इंसान है, बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हैं और मैं यही शुभकामना देता हूँ कि ईश्वर करे गणपति बप्पा का समय है, अभी गणपति बप्पा का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो और उनका ये जो एक्टिंग है, जो एल्बम है, सुपर डुपर हिट हो। लुक मुझसे थोड़ा अच्छा लग रहा है, ज्यादा खूबसूरत तो मैं ही हूँ पर थोड़ा मेकअप करके ये अच्छे लग रहे हैं इसमें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हम दिल में भी बसाते हैं, घर भी बसाते हैं, एक माहौल भी बसाते हैं, तो कमाल भाई एक बसेरा लेके आया है, क्या बोला कमाल भाई के बारे में? एक नाम बहुत प्यारा है बसेरा, क्योंकि हर इंसान को, पंछी को, जानवर को, सबको जो जो इस धरती पर है सबको बसेरा चाहिए। और इसी बसेरा के तहत मैं अगर कहूँ कि हमारा जो फेडरेशन शुरू हुआ जिसका नाम है स्टार स्टैंड अप कॉमेडी फैमिली वेलफेयर फेडरेशन, ये गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर्ड शुरू हुआ जो स्टैंड अप कॉमेडी के लिए, सरकार की तरफ से हम स्टैंड अप कॉमेडी के लिए बहुत सारे ऐसे हक है, बहुत सारे हकूक है जो हमें मिलते हैं, मिलने चाहिए, मगर हमें पता नहीं होता क्योंकि हम लोग इंडिविजुअल होते हैं। लेकिन जब ग्रुप के द्वारा, एक संस्था के द्वारा जाते हैं, तो जैसे कल्याण यहाँ के बहुत सारे NGO हैं हम सब के, तो हमें बहुत सारे चीज़ें मिलती है कलाकारों के लिए, चाहे वो रिटायर कॉमेडियन हो, वर्तमान के हो या भविष्य के हो, उनको सारे हक मिलते हैं, ट्रैवलिंग के हक मिलते हैं उनको, अगर उनका घर नहीं है तो कोटे में घर मिलता है, एजुकेशन मिलता है। अगर आप किसी, हम लोग बहुत सारे संस्था में स्कूल में जाते हैं परफॉर्म करने के लिए, वहाँ के द्वारा हमारे बच्चों को एजुकेशन की तो ये बहुत सारी सहूलियत मिलती है। मैं समझता हूँ कि इसको लेके ये जो फेडरेशन हमने शुरू किया है, जो गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर्ड है, स्टार स्टैंड अप कॉमेडी फैमिली वेलफेयर फेडरेशन, इसके लिए मैं आप सबका आशीर्वाद चाहूँगा, प्यार चाहूँगा। और कल हमने यहीं पे लॉन्च किया उसको, राजीव श्रीवास्तव जी का कल पहले पुण्यतिथि थी, तो उन्हीं के आशीर्वाद से, उनके फैमिली के आशीर्वाद से और सबके सब यहाँ पर मौजूद थे यहाँ पर। और कल आप लोग पता नहीं कहाँ थे, मैं ढूंढ रहा था, आप लोग शायद कहीं बिजी रहे होंगे आप लोग, लेकिन अच्छा हुआ कल अंबानी का था ना, अंबानी के गणपति बापा में लोग गए थे, तो गणपति बापा का दर्शन करने गए थे अंबानी का, दोनों का बल्कि पहले जिनका दर्शन करने गया तो मुझे पता है, अंबानी के बॉलीवुड वाले, अंबानी के गणपति में तुम लोग किसके दर्शन करने गए थे मुझे पता है, मैं खुल के बता रहा हूँ, सारा बॉलीवुड कल अंबानी के गणपति में गणपति पापा के दर्शन के लिए गया था। मेरा ये जो पूरा टीम है, चाहे कमाल हो या हमारे जितने मीर साहब है, जावेद मीर साहब, इन्होंने ये जो बसेरा बनाया है, ये सच्चे कलाकार, अच्छे कलाकार है, उभरते हुए कलाकार है, इनके अंदर जोश है, ताकत है, जोश और मौज तो आजकल मिलना ही मुश्किल हो गया, लाउड डाउनलोड करना पड़ता है जोश और मौज, तो ये मिल गया हम सबको। अभी मैं यहाँ पर देख रहा था कि आप सब तमाम लोग लड़कियों से सवाल पूछ रहे थे, अभी किसी लड़की को छेड़ना मत मीडिया वालों, और स्पेशली बुरके वाली को, पता नहीं कब कौन से बुरके में राखी सावंत निकला है। फैशन की नई माँ हमारी फातिमा, गाली गलौज फिल्म जल्दी आ रही है, OTT पर आ रही है, फिल्म का नाम गाली गलौज, लेकिन फिल्म में कोई गाली गलौज नहीं है, एक फैमिली फिल्म है, वो भी स्टैंड अप कॉमेडी की फिल्म है। और मैं जैसे मैंने कहा कि स्टार स्टैंड अप कॉमेडी फैमिली वेलफेयर फेडरेशन जो हमारी शुरू हुई है, जिसका हमने शॉर्ट फॉर्म रखा है, शॉर्ट फॉर्म भी बड़ा मशहूर है, SSC
FWF तो मुझे लगता है कि मज़ा आएगा। और साथ में मेरा ये दोस्त यहाँ पर मौजूद है अमित जाधव, मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। सोनू निगम साहब ने इन्हें चैलेंज दिया था कि जो गाना तुम गाने वाले हो उसको या तो नॉर्मल गाओ या तो उसके ऊपर रिकॉर्ड पर डांस करो, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। तो इन्होंने चैलेंज स्वीकार किया था, इनके अंदर वो एक्स फैक्टर जो है, तो एक्स फैक्ट्री इनके अंदर, तो ऐसा ज़बरदस्त गाना गाया था कि संजय जाधव साहब तब से लेके अब तक जवा दिलों की धड़कन है। मैं चाहता हूँ कि उनसे भी आप बात करें, और मेरी फरमाइश है कि बातचीत से पहले वो दो लाइनें जो आपको गाइए के साहब की, वो ज़रूर हो जाए। थैंक यू, ऐसे ही गाऊं? ये माइक में जा रही है, आवाज़ जा रही है। चलो ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे गाऊंगा तो शायद आवाज़ ओपन अप होगी कि नहीं पता नहीं। कल्याण जी भाई, कैन आई हैव द माइक प्लीज? कल्याण जी, आनंद जी, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बसेरा के लिए जावेद जी को और कमल जी को बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं बसेरा के बारे में क्या ही बोलूँ, बसेरा आई थिंक मुझे ऐसा फील होता है कि हर किसी के लिए वो पहले रोटी कपड़ा और मकान था, तो अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुंबई वालों के लिए बसेरा ही है। तो मकान मतलब बसेरा ही होता है। तो रोटी कपड़ा और बसेरा, हमारा असली भी होगा अभी, हमें वो रोटी कपड़ा बसेरा सबकी जरूरत है, सलमान खान हो या शेरा। सबसे पहले मेरे सभी मीडिया भाइयों को नमस्कार, और देश दुनिया को, पूरे वर्ल्ड को नमस्कार। गणपति की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि हर कलाकार का जब कोई भी फिल्म या म्यूज़िक में किसी भी माध्यम से उसका कुछ रिलीज़ होता है तो उसके लिए ईद और दिवाली होती है। हम लोग खूब संघर्ष करके जब किसी चीज़ को दुनिया के सामने प्रेजेंट करते हैं तो बहुत घबराहट रहती है कि पता नहीं इसको पब्लिक एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी, क्या प्रतिक्रिया होगी। लेकिन ज़िंदगी में मैंने क्रिकेट बहुत खेला है, इसलिए मैं सिंगल रन को अपनी जिंदगी जीवन में बहुत मायने देता हूं, क्योंकि सिंगल रन बना बना के ही सेंचुरी बनती है। तो हम लोग ने कोशिश की है, जे एक्स म्यूज़िक कंपनी जो जावेद मीर साहब ने शुरू की है, माशाल्लाह मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जावेद मीर साहब का, जिन्होंने मेरे ऊपर इतना विश्वास जताया। और एक नहीं तीन तीन गाने बनाए और तीन गानों के साथ एक म्यूज़िक चैनल लॉन्च किया जिसका नाम है जे एक्स स्टूडियो म्यूज़िक कंपनी शुरू की। इसी गाने से आज माशाल्लाह एक कंपनी का निर्माण होगा। तो कहते हैं, जैसे कि आप सब जानते हो कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई नया होता है, जैसे कभी आप भी नए थे, कभी मैं भी नया था। हम लोग काम करते करते कहते ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो हम लोग बूंद बूंद से कोशिश कर रहे हैं घड़ा भरने की। जैसे कि आप सब जानते हैं आजकल गरीब घरों से लड़के लड़कियों का एक्टर बनना बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत कठिन काम हो गया। लेकिन अगर इंसान मेहनत करता रहे, कुछ ना कुछ करता रहे, कहते ना अब से काफ़ी साल पहले राज कपूर साहब ने कहा था कि द शो मस्ट गो ऑन, जद्दोजहद जुस्तजू हमें अपने जीवन में, अपने कार्य में, जिस क्षेत्र में भी हम हैं उसमें करते रहनी चाहिए, और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए इंसान को। तो मेरा मानना ये है कि आज माशाल्लाह बाबा न्यूज़ माध्यम के चैनल के माध्यम से और जावेद मीर साहब के माध्यम से हमने देश दुनिया के लिए एक म्यूज़िक वीडियो प्यारा सा बनाया है, उसका पर्दापण हो जाएगा इंशाल्लाह आप सबके सामने। तो उम्मीद करता हूँ देश दुनिया के सभी लोग, काफ़ी लोग इसको सब पसंद करें, और जैसे कि आप सब मुझे दुआएं प्यार आशीर्वाद दुआएं देते हैं उस तरह से आप मुझे अपना प्यार आशीर्वाद दुआएं दें। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत जल्द इंशाल्लाह, जैसे कि आपको मैं बता दूँ कि बहुत जल्द इंशाल्लाह मीर साहब के और हमारे काफ़ी लोगों के सहयोग से, एम मकसूद साहब के सहयोग से सुल्ताना फिल्म माशाल्लाह फ्लोर पे है, कंटिन्यू शूटिंग चालू है। 5 तारीख से हम बॉम्बे फिल्म सिटी में शूट करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि अगले महीने तक फिल्म शुरू हो जाएगी। बहुत जल्द
जल्दी इंशाल्लाह उसका पर्दापण आपके सामने करेंगे। और मैं ये बताता हूँ कि हमारे बीच में काफ़ी सारे लोग हैं, कल्याण जी हैं हमारे, सुनील भाई जी हैं, गोयल साहब हैं, इरफान भाई हैं, आलम भाई हमारे बहुत घनिष्ठ मित्र हैं जो इस वक्त हमारे साथ में हैं। मैं सभी दोस्तों का और जहाँ तक भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, प्यार, दुआएं, आशीर्वाद मुझे इसी तरह देते रहें। मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरह रोमांटिक है, किस तरह इसके लिए मीर साहब ने और हमने काफ़ी पैसे खर्चे किए एक्चुअली, और काफ़ी जगह हमने मतलब इसके लिए, जैसे कि हम लोग दुबई भी चले गए थे, 15 दिन हम लोग दुबई रहे, कल्याण जी के माध्यम से भी हम लोग अवार्ड शो भी गए, लोकेशन देखे हमने, बहुत सारी चीज़ें की, लेकिन किसी वजह से हम लोग दुबई में शूट नहीं कर पाए। फिर हमने कोशिश करके इसको मुंबई में बेहतरीन लोकेशनों पे फिल्माया, तो बहुत प्यारा DID का एक जो सिंगिंग कंपटीशन होता है, उस कंपटीशन के लड़के आयुष शर्मा ने इसको गाया है, बहुत ही प्यारी सुरीली आवाज़ में है माशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको खूब पसंद आएगा। कब बस इंशाल्लाह बहुत जल्दी, आज आपने पोस्टर देख ही लिया है, गाने भी देख लिए, बहुत जल्दी इंशाल्लाह आपको ये गाना यूट्यूब चैनल पर JX म्यूज़िक स्टूडियो पे आपको बहुत जल्दी इंशाल्लाह ये देखने को मिलेगा। मीर साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक नया टैलेंट को आपने कौन निकाला? पहले तो आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, और आए हुए सभी मेहमानों का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। बड़ा कीमती समय निकाल के सब लोग आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। टैलेंट का जहाँ तक सवाल है तो वो अपने आप नज़र आ जाता है, काफ़ी लोग के साथ उठना बैठना होता है, तो उसमें कमाल ने मुझे हमेशा एक नज़र आया कि ये एक्टर है, आने वाले कल में एक काफ़ी राइज करेगा। और इसी के साथ कमाल के साथ साथ इरफान रजा मेरे साथ में काफ़ी टाइम से हैं, तो सब लोग एक बहुत बड़ी टीम बनती गई और हम लोगों ने काम को शुरू किया। फिर काफ़ी लोगों से मिलना जुलना करते करते डिसाइड किया कि एक अपना खुद का म्यूज़िक कंपनी चालू करते हैं, उसको यूट्यूब पर चालू करेंगे, और उसी के माध्यम से आज हम आपके सामने हैं और काफ़ी चीज़ें करने का प्रोग्राम बना के बैठे हैं। नाम का किस तरह आपने सोचा, बसेरा रखने के किस तरह आपने नाम पर सोचा कि बसेरा रखना है? इसका लिरिक्स इसी टाइप का है, बसेरा से मीट आउट होता है, तो वो उसी हिसाब से रखा है। शूट के दौरान आपको कोई परेशानी हुआ कि? नहीं, शूट के दौरान हमारी पूरी टीम इतनी अच्छी टीम साथ में थी, कहना 1% भी कोई परेशानी नहीं हुआ, सब लोगों ने फुल सपोर्ट किया और फुली कोऑपरेट किया, शुरू से लेके आखिर तक बहुत अच्छा काम हुआ। सर, आपको पूछना चाहता हूँ, बताइए बसेरा के बारे में क्या आप बोलना चाहते हैं? सॉरी, बसेरा के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? बसेरा एक बहुत अच्छा सॉन्ग है, अभी आप सुनेंगे उसको देखेंगे, और ये बहुत ही रिसर्च के बाद काफ़ी लोगों के गाने सुनने के बाद ये बसेरा गाना तैयार हुआ है, और इसको मैं अगर अभी स्टोरी रिवील कर दूंगा तो फिर थोड़ा मज़ा नहीं आएगा। आप गाना देखिएगा, बहुत प्यारा गाना है, और जावेद भाई ने जो एक जैक्स स्टूडियो म्यूज़िक कंपनी चालू हो रही है, आज आप लोग यहाँ पर हैं, आने वाले दिनों में एक ये बड़ा नाम होगा इंशाल्लाह, और आप लोग बेहतरीन दुनिया भर के गाने, वर्ल्ड म्यूज़िक आप इस पर सुनेंगे इंशाल्लाह। हाँ, 3-4 गाने हैं इसमें, एक जो आपको लगे हाँ करीब है। मुझे बसेरा के वर्डिंग याद नहीं, मैं लेकिन तेनू के समझा मैं उसके गाने 2 लाइनें गाता हूँ। तेनु की समझा तू की निकला, झूठ निकले सारे तेरे वादे, तू याद में तू याद जो अब रब आया होए, दिल आया होए, याद आया होए। सॉरी, मैं सिंगर तो नहीं लेकिन मैंने कोशिश की, बहुत प्यारा लिरिक्स है, इंशाल्लाह आप सबको खूब पसंद आएगा। जब देखो कोई भी प्रोजेक्ट पे जब कोई काम करता है तो उसमें वो बड़ी मशक्क़तें लगती है उसको बनाने में, लेकिन माशाल्लाह बड़े प्यार से बना और बड़ा अच्छा अभी दुनिया के सामने आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे मीडिया का, पूरे जगत का, पूरे वर्ल्ड का।
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चाहता हूँ जिस प्रकार से उन्होंने नाम निर्धारित सोचा है, उस मूवी का नाम ही सोचा है बसेरा, तो बसेरा का मतलब होता है जो जिनके पास कोई ना डेरा उसके लिए घर चाहिए बसेरा। ऐसे हमारे कल्याण जी भाई और फिरदौस जी और हमारे इशार साहब बहुत ही फिल्मों में जिन्होंने बड़ी मूवी में डायरेक्टरशिप किया है, ऐसे इशार साहब आज सौभाग्य की बात है कि इन लोग सब हमारे साथ में हैं। कल्याण जी जाने के बारे में तो आपको बोलना ही बोले, कितना कम बोले, कभी सूरज को चिराग दिखाना, चिराग दिखाने वाली बात है। दादा साहब फाल्के के नाम पे इतना बड़ा अवार्ड कराते हैं, वो भी इंटरनेशनल लेके चले गए, दुबई लेके चले गए। बसेरा मूवी जो बन रहा है उसके जो भी डायलॉग्स हैं, जो भी गाने हैं, ये बहुत ही अच्छे अच्छे लोगों को चिन्हित करके उन लोगों से कराया जाएगा और मुझे उम्मीद है कि बसेरा मूवी भी सुपर हिट होगा। सर, आपके कह रहे हैं कि प्यारा नाम रखा बसेरा, कमाल भाई बेहतरीन काम किया है। मैं सर दो ही लाइन बोलना चाहता हूँ मेरे तरफ से बसेरा की पूरी टीम को, कल्याण भाई को, ताहिर भाई को दिल से, तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। क्या बात है, देखिए मेरा एक ही बोलना है, मीडिया को मेरा नमन है। मीडिया हमारा हिंदुस्तान के चौथा स्तंभ है और कमाल भाई हमारा पांचवा स्तंभ है, क्योंकि कमाल मेरा सबका कमाल करते हैं और कमाल भाई को मेरा नमन है, मीर भाई को मेरा नमन है, जावेद मीर साहब, क्योंकि इस जो एल्बम है इसका वो डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, ताहिर कमाल खान साहब और इरफान साहब मिलकर इसमें भूमिका निभाया है, और मेरे बीच में बैठा है इशार साहब जो एक बेहतरीन डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, एक अच्छे इंसान है। मेरे साथ बैठे हैं जाने माने देश के समाज सेवक, बीजेपी के लीडर, हम सबके चहेते मेरे गुरु विशाल भगत साहब, फिरदौस मैडम हमारी बहुत जूनी दोस्त, एक अच्छी एक्ट्रेस, और जब भी मिलते हैं तो हंसमुख चेहरा लेके आते हैं, एक पॉजिटिविटी इनके अंदर है और इनके हंसमुख चेहरा देख के लोग और हंसते हैं, तो ये लोगों को हंसने काम का वो काम करते हैं, हालांकि वो कॉमेडियन नहीं है लेकिन वो एक्ट्रेस है। और मैं इनके साथ में जितने भी लोग जुड़े हैं, ऐसा अड्डा पूरा आज मीडिया संभाला है, और साथ में हमारे सीनियर पत्रकार साहब मुंडे साहब है, हमारे सीनियर सीवीओ जब चलता था चैनल तब से लेके अब तक खबर 24 साहब पुष्कर साहब हमारा साथ है, तो दाजी भाई है जो रात को एक चीज़ देता है, भाई लिख दो तो लिख देते हैं साहब, तो तमाम यहाँ पे मेरे भाई हैं मीडिया के धनुर्धर, हमारा भाई बोलते हैं तो है? शंकर साहब और तमाम लोग मेरा भाई यहाँ पर है। खाली मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, बसेरा सबका घर का बसेरा हो और मेरा भाई का भी बसेरा हो, रैन बसेरा हो, हाँ, और ये बसेरा इतना बड़ा हिट हो जो कमाल भाई इसी बसेरा में बस जाए और साथ में जावेद मीर साहब भी बस जाए, और इसके साथ साथ में हमारे बीच में सुनील पाल साहब हैं जो जाने माने कॉमेडियन हैं, एहसान खुर्शी साहब हैं, और साथ में हमारे अमित यादव साहब हैं, तमाम लोग हैं यहाँ पर, काफ़ी लोग आके चले गए, नत्था साहब चले गए आके, दिलीप साहब गए, आदिल द्रवी साहब, और साथ में हमारे मनसे के महाराष्ट्र के वाइस प्रेसिडेंट हाजी साहब आके चले गए, हमारे साथ में काफ़ी सारे स्टार आके चले गए, बधाई दिए हमारे ताहिर कमाल खान साहब को, और मेरे गरीब के पास से पैसा नहीं है, मेरे पास गरीब आदमी हूँ, लेकिन मैं इतना बोलना चाहता हूँ ताहिर कमाल खान हिट हो जाए। ये तो एल्बम है, मैं चाहूँगा कि बसेरा के नाम से ताहिर कमाल खान और कल्याण दोनों मिलकर एक मूवी भी बनाए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है।
हाँ पोनू सर, पोनू सर मेरा गुरु विशाल भगत, कल्याण जी कमाल हीरो और प्रोड्यूसर विशाल भगत, इससे हमें डायरेक्टर अभी फाइनल कर दो। मैं यही बोलना चाहूँगी, मेरा दोस्त है कमाल, मेरा बहुत अच्छा दोस्त, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, बस मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और उन्होंने जो बसेरा म्यूजिक बनाया है, मैं पूरे टीम को उनके सब कुछ शुभकामना देना चाहूँगी, और आई होप सब बहुत अच्छा होगा, अब देखेंगे हम, अभी आप लोग सब देखेंगे, बस उसको शुभकामना देना चाहूँगा, आगे जाके बहुत तरक्की करे, ऊपर वाला उसको बहुत कामयाबी दे, बस यही। आमीन महादेव। बस एक लास्ट है, लास्ट है पुनीत साहब, पुनीत साहब आप आइए, ये हो गया जी। जी मेरा नाम आरव शर्मा है, तो मैं भी एक्टर हूँ, तो नमस्कार, नमस्कार सभी को, बहुत सारा प्यार। तो जैसे कि आज जावेद जी ने बहुत अच्छा एक आपके आगे सबके आगे रखा है कि हम लोग एक नया लॉन्च कर रहे हैं, और आपने एक सवाल पूछा था जावेद जी से कि आपको कमाल जी में क्या खूबसूरती लगी, क्या ऐसी चीज़ अच्छी लगी सेट के दौरान, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जब आप देखेंगे तो आपको खुद फील कर लेंगे कि वो इतने अच्छे एक्टर हैं, उन्होंने इतना अच्छा जो वर्क किया है, वो सेम चीज़ आप देख लेंगे सब लोग, तो वो आपको आंसर मिल जाएगा कि उन्होंने क्या देखा उनके अंदर। तो उनको भी बहुत सारी शुभकामनाएं, और जाते जाते एक चीज बोलना चाहूंगा आपको वैसे कि मैं बाहर से दिखाई दी, और जब मैं अंदर घुसा तो मुझे लगा कि सारे सितारे तो यहीं हैं आज, तो आज आप सब इतने सुंदर और इतने अच्छे लग रहे हैं, थैंक यू सो मच आने के लिए, धन्यवाद। जी हम तो उनके साथ अभी भी काम कर रहे थे, आगे भी करेंगे और करते रहेंगे, क्योंकि उनका ऐसा नेचर है कि वो हर किसी को साथ लेके चलते हैं, तो उनका वो प्यार है और वो हमेशा हमारे साथ है, हम उनके बच्चे हैं, तो थैंक यू सो मच। मेरा कहना तो सिर्फ यही है कि मेरा दोस्त ताहिर कमाल, हम लोग 15 साल से दोस्त हैं, और मैं भी एक फिल्म डायरेक्टर, म्यूजिक वीडियो डायरेक्टर हूँ, और मैंने जब ये गाना का मतलब एक एडिट पार्ट पर जब मैंने इस गाने को देखा था, उस समय में जो पता चल गया था कि भाई ताहिर कमाल ने जो 15 साल में इतनी जो कड़ी मेहनत जो की है, वो जावेद मीर साहब के द्वारा निखर के सामने आ गई है, और जावेद साहब का जो एक ड्रीम था कि अपने एक म्यूज़िक कंपनी खोले, उस कंपनी को भी उन्होंने आज ही के दिन लॉन्च किया है, प्रेजेंट किया है, आज ताहिर कमाल के साथ साथ मतलब एक स्टार को देना और एक स्टार के साथ देना बहुत बड़ी बात है। आज इस पूरी इवेंट के महफिल में इतने तमाम मीडिया, मतलब इतने सारे मीडिया को देख के ऐसा लग रहा है कि एक म्यूज़िक वीडियो का नहीं, बहुत बड़ी फिल्म की लॉन्चिंग है ये, और काफ़ी सारे सेलिब्रिटी बॉलीवुड से जो आए, जिन्होंने शुभकामनाएं दी ताहिर कमाल को, जावेद साहब को, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, और मैं चाहता हूँ, आशा करता हूँ कि आगे फ्यूचर में जावेद साहब के साथ में मैं काम करूँ, इस पर इनके कंपनी में काम करूँ, एज अ डायरेक्टर काम करूँ, क्योंकि मैंने अब तक टी सीरीज जी सबके साथ काम कर लिया है, बस इन्हीं के साथ काम करना रहेगा, कि आज लॉन्चिंग है तो मैंने सोचा है कि इनके साथ भी स्टार्ट किया जाए, इनकी म्यूज़िक प्रोडक्शन में काम करूँ एज अ डायरेक्टर। और इस म्यूज़िक वीडियो में जो सबसे मुख्य जो किरदार कह सकते हैं वो ताहिर कमाल जी का है, साथ ही साथ सपोर्ट जो है एज एन एक्टर इरफान रजा साहब का, इरफान रजा साहब जी के बारे में बहुत कम बोला गया था, मैं उनका मतलब टीवी से इनका फ़ैन हूँ इरफान रजा साहब का, कि जब वो काम कर रहे थे टीवी में सीरियल पवित्र रिश्ता में, फिल्म कर रहे थे मैंने एक लड़की चाहता उसमें लीड हीरो थे, और उनका साथ पकड़ा है, उनका साथ दिया है जावेद साहब ने, मतलब बहुत बड़ी बात है, अपने आप में ही बहुत बुलंदी वाली बात है। और जितनी तमाम मीडिया जो हमारी आई है इनको कवर करने के लिए, हमें उस मुकाम तक पहुँचाते हैं आप लोग, किसी तरह से भी हमने जो भी काम किया होता है उस काम को आप लोग निखारते हो, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद साहब ऐसे प्रोग्राम करते रहे, ऐसे म्यूजिक वीडियो बनाते रहे, जिसमें हम लोग हमेशा आए और काम करें आपके साथ। जी सबसे पहले तो मैं पुनीत भारद्वाज पूरी टीम की मेहनत को दाद देता हूँ कि आज इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग इसको कवर कर रहे हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि ये जो गाना है, जो एल्बम है, ये मीडिया और लोगों को पसंद आए और वायरल हो जाए, आजकल वायरल का ज़माना है, तो इसका कोई भी 1-2-3 पार्ट वायरल हो जाए और इनका ये मुहिम जो है आगे और भी चलता रहे, ज़ोर शोर से और भी प्रोड्यूस करते रहें, नए नए कलाकारों को चांस देते रहें, और ज़्यादा समय नहीं लूँगा, स्क्रीनिंग का भी टाइम हो गया है, तो बहुत बहुत बधाई मीर साहब। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जावेद मीर साहब ने पूरी दुनिया घूमी है, दुनिया के हर शहर,
हर कंट्री घूमी है, उसके बाद उन्होंने अगर हिंदुस्तान से कोई हीरा चुना है वो मेरा दोस्त ताहिर कमाल। मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ, बहुत मुझे मज़ा आया इस म्यूज़िक वीडियो का टाइटल सुन के, उसका काम देखा मैंने, बहुत मुझे अच्छा लगा और मैं खुद फ्यूचर में चाहूँगा कि उसके साथ में आगे काम करूँगा। तो ताहिर कमाल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब आप सब लोगों का प्यार है और आप सब लोगों के स्नेह के साथ में सारा काम हो रहा है। अभी अजहर के साथ भी काम शुरू करना है मुझे, तो हम लोग सबके आशीर्वाद चाहते हैं।